आइए सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यह क्या कार्य करता है। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, यहाँ पे ध्यान देना, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, स्थान आदि की विशेषता जहाँ प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि इनकी जहाँ विशेषता प्रकट हो वहां पर यह गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे इसके उदाहरण होते हैं श्रेष्ठ, नया, सुंदर आदि। अब यहाँ पर जो एक शब्द दे रखा है कि मनोज ईमानदार छात्र है, तो ईमानदार क्या है, इसका गुण है। रमेश, मान लो यहां पढ़ लेते हैं रमेश, सुंदर बालक है, तो सुंदर क्या होगा, उसका गुण है। तो गुण उसे कहते हैं जिनसे किसी गुण की, किसी रंग की, किसी दशा की, किसी के बारे में जानकारी मिलती हो, विशेषता प्रकट हो, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। आइए हम दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण, जिससे संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो, वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, मैंने पहले बताया था आपको पहले वीडियो में कि एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे, जैसे पांच व्यक्ति, चौथी क्लास, इससे देखो निश्चित, निश्चित का मतलब होता है एकदम करेक्ट, वो चीज का पता चलता है कि कितने कितने व्यक्ति, तो पांच व्यक्ति, कौन सी कक्षा, तो चौथी कक्षा, ये सारा निश्चित ज्ञान कराता है। यहाँ पर निश्चित वाचक विशेषण होता है। आगे है दूसरा नंबर पर अनिश्चय या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराए। जैसे थोड़े सी, थोड़े कुछ ले आओ, थोड़े थोड़े से आलू लेकर आओ, थोड़े प्याज लेकर आओ, थोड़े और थोड़े में कितने किलो लाने हैं, दो किलो लाने हैं, तीन किलो लाने हैं, पावर लाने हैं, उसका कुछ पता नहीं चले। सिर्फ थोड़े कुछ ऐसे शब्द आ जाए जहां पर संशय बना रहे, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो हमने इस तरह से अभी इन चीजों को समझा कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस विशेषण में संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, दशा आदि की विशेषता जहां प्रकट होती है वहां पर, जैसे कि मनोज ईमानदार, तो ईमानदार इसका गुण हो गया। संख्यावाचक विशेषण हमने देखा कि जिससे संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। और निश्चित संख्यावाचक, इसके दो भेद, और निश्चित संख्यावाचक, निश्चित में यह होता है कि जिस मात्रा का, जिस चीज का पता एकदम निश्चित चलता हो वहां पर निश्चित संख्यावाचक होती है, काउंटिंग आनी चाहिए। और अनिश्चित, जहां पर किसी चीज का पता ना चलता हो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो इस तरह से हमने ये दो देखे, आगे की हम वीडियो में और भी उदाहरण भेदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।